हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल शक्ति फिटनेस। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है जिन लोगों को मैन बूब्स की प्रॉब्लम है। जी हाँ, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं मैन बूब्स के ऊपर। तो जिन लोगों को मैन बूब्स है, आज वो इस वीडियो को देख के डेफिनेटली विद इन वीक के अंदर रिजल्ट देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने आपको एक्सरसाइज बताई होंगी यूट्यूब पर, लेकिन आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट वर्कआउट लेकर आया हूँ जिससे आप अपने मैन बूब्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये रिडक्शन करने का बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, आप इसे अपने वर्कआउट के अंदर जरूर ऐड करें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा कि ये जो मैन बूब्स वाली प्रॉब्लम होती है, ये इस वजह से होती है आप ज़्यादा ऑयली जंक फूड इतना ज़्यादा खाते हैं कि ओवरऑल बॉडी के अंदर फैट आ जाता है, और फैट फिर उसी वजह से आपकी चेस्ट पर भी आ जाता है। तो आपके जो चेस्ट है वो बूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फीमेल जैसी लगती है। अब यार दोस्त ही मज़े ले लेते हैं, कोई दबा देगा आपके या फिर कोई कुछ भी कर देगा, तो आपको उस चीज़ से बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है। और उसके साथ साथ आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, आपको स्विमिंग पूल जाना है, गोवा जाना है, तो आप अपनी टी शर्ट उतार ही नहीं सकते वहाँ पे। तो इस चीज़ से आप बहुत ही अनकम्फर्टेबल और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इन एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल के अंदर ऐड कीजिए और मैन बूब्स को ख़त्म करिए, क्योंकि मैन बूब्स कोई बीमारी नहीं है। जिनके बूब्स के अंदर गांठ बन जाती है उनको गायनो की प्रॉब्लम होती है। अगर आपके बूब्स के अंदर कोई गांठ नहीं बनती और इनको दबाने से आपको पेन नहीं होता, तो इसका मतलब समझिए कि आपको मैन बूब्स की प्रॉब्लम है। तो आज एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, इससे डेफिनेटली आप अपना रिडक्शन कर पाएंगे मैन बूब्स के अंदर। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आपके भाई का चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, उससे ज़रूर दबाएं। उसके साथ साथ में छोटा बेल आइकन दबाना नहीं भूले, नहीं तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है, सेम अकाउंट है रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वहाँ आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वर्कआउट का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि पहली एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हम दो एक्सरसाइज इकट्ठी लगाएंगे कंबाइंड करके। तो जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी बेंच प्रेस, जिसके आपको रेपिटेशंस लगाने हैं 12। उसके बाद बिना रेस्ट लिए आपको इंक्लाइन डंबल प्रेस, यानी कि टोटल 24 रेप्स लेने हैं, और तब जाके आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट होगा। इस तरीके से आपको 3 से 4 सेट लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कैसा होगा हमारा बेंच प्रेस से और इंक्लाइन डंबल प्रेस का पहला सेट। इसमें ध्यान क्या रखना है, नीचे कंट्रोल करना है, आराम से नीचे लेकर आना है, देन 1 सेकंड आप रोकना है चेस्ट पे, बिल्कुल तेज फास्ट फास्ट नहीं करना, आराम से स्लो एंड अप, स्लो डाउन एंड अप, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो 12 करने के बाद आपको बिना रेस्ट लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाने हैं। मीडियम वेट रखना है आपको, ज़्यादा वेट नहीं रखना, क्योंकि रेपिटेशंस आपको 24 लगाने हैं दो एक्सरसाइज के इकट्ठे। तो इसमें आपको बिल्कुल ऊपर डंबल टच कर देते हैं लोग, वो गलत है, डंबल टच नहीं करना, पूरा नीचे तक लेकर आएंगे, स्ट्रेच करेंगे पूरा, और ऊपर बिल्कुल टच नहीं करना, स्ट्रेट नीचे लेकर आएंगे, स्ट्रेच पूरा, देन अप, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो इस तरीके से आपका एक सेट कंप्लीट होगा। तो 3 से 4 सेट आपको लगाने हैं, कंबाइंड करना है, रेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना दोनों सेट के अंदर। पहले बेंच प्रेस 12 रेपिटेशन, उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस 12 रेपिटेशन, सेट आप 3 से 4 ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो भी दो एक्सरसाइज से मिलाकर बनेगी, और पहली जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम डंबल प्रेस कर रहे हैं फ्लैट बेंच के ऊपर, उसके साथ इंक्लाइन बेंच के ऊपर डंबल फ्लाई करेंगे। तो इससे पहले हमने फ्लैट बेंच पे करे थे बारबल रोड से बेंच प्रेस, और अब हम कर रहे हैं डंबल से। तो पहली एक्सरसाइज होगी, इसके अंदर आपको 12 रेपिटेशंस निकालने हैं, और इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी इंक्लाइन डंबल फ्लाई, जिसमें आपको रेस्ट नहीं लेना। तो पोजीशन का आप ध्यान रखेंगे, पूरा इसमें नीचे तक स्क्वीज करेंगे, तभी आपका जो चेस्ट पे फैट है वो रिड्यूस होएगा। तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना डंबल, मैंने बता दिया आपको, आराम से नीचे लेकर आना है, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, देन अप, आराम से नीचे, 1 सेकंड होल्ड, देन अप, आराम से नीचे, देन अप। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो 12 रेपिटेशन आपको रखने हैं, वेट आप लाइट ही रखें। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको लेनी है इंक्लाइन डंबल फ्लाई। तो इंक्लाइन डंबल फ्लाई बिना रेस्ट लिया आपने 12 रेपिटेशन लगाए थे बेंच प्रेस डंबल से, अब आप इंक्लाइन डंबल फ्लाई लगाएंगे। तो इसमें क्या करना है, पोजिशन आपको ध्यान रखनी है,
अपने एल्बो हल्की सी बेंड रहेंगी, पूरा नीचे तक लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे, देन अप, ब्रीथ इन, जब नीचे लेकर आएंगे ब्रीथ इन, ऊपर लेकर आएंगे ब्रीथ आउट, बिल्कुल आराम से इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपका चेस्ट से फैट रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों जो थर्ड और हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसके बाद हम सुपर सेट भी लेंगे, लेकिन ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है तो इसके साथ हम ले रहे हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस और उसके साथ हम लेंगे क्रॉस ओवर। तो डिक्लाइन बेंच प्रेस के आपको सेट लेने हैं 12 और उसके साथ क्रॉस ओवर के भी 12। तो पहले हम करेंगे डिक्लाइन और उसके बाद नॉन स्टॉप बिना रेस्ट लिए क्रॉस ओवर। तो डिक्लाइन में आपको किस तरीके से करना है, सेम वही पोजिशन रहेगी जो बेंच प्रेस में बताई थी आपको, आराम से नीचे लेकर आना है, देन अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कई लोग क्या करते हैं इसमें गलती, कई लोग पता नहीं यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे शोल्डर इंजर हो जाएगा उसका और बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और कोई भी मसल आपकी फटीग हो सकती है। तो सिंपल आपको जो आपके हाथों की पोजिशन है बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट नीचे लेकर आना है, देन अप, स्ट्रेट नीचे लेकर आना है, देन अप। इस तरीके से आप इसके 12 रैप्स निकालेंगे और 4 सेट कर सकते हैं आप इस एक्सरसाइज के। तो दोस्तों डिक्लाइन बेंच प्रेस खत्म करने के बाद आपको तुरंत बाद बिना रेस्ट लिए आपको क्रॉस ओवर एक्सरसाइज करनी है मशीन से। तो इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है, ये एक्सरसाइज स्पेशली हम लोअर चेस्ट के जो फैट रिड्यूस करना है उसके लिए कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपका एक पैर आगे रहेगा, एक पैर पीछे, चेस्ट अप रहेगी और आपको नीचे लेकर आना है इस तरीके से, एक सेकेंड यहाँ पे रोकेंगे, देन आराम से रिलीज, एक सेकेंड रोकेंगे, देन आराम से रिलीज। तो ये इसकी सही, बिल्कुल सही पोजीशन है इसको करने की, बिल्कुल आराम से करना है आपको, सिर्फ आपका जो प्रेशर है आपके चेस्ट पे आना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन अपनी चेस्ट के मिडल में, तब आपको पता चलेगा कि आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो रैप्स इसके सिर्फ आपको 12 लेने हैं। तो ये हो चुके हैं हमारी 3 एक्सरसाइज जिसके अंदर हमने 6 एक्सरसाइज बता दिए कंबाइंड करके, आपको एक एक्सरसाइज के अंदर 3 से 4 आप सेट ले सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, 3 सेट तो मिनिमम रखने हैं आपको। अब हम करेंगे लास्ट हमारा जो कि सुपर सेट होगा पुशअप्स का, जिसके अंदर आप 50 पुशअप्स निकालेंगे। तो दोस्तों 3 एक्सरसाइज हमने कर ली हैं और 3 एक्सरसाइज करने के बाद जो कि हमने कंबाइन करी हैं सारी, 24 रैप्स लगाए हैं और 3 से 4 सेट लेने हैं आपको हर एक्सरसाइज के। एंड उस एक्सरसाइज को कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपका बचेगा सुपर सेट जिसके अंदर आपको पुशअप्स लगानी है। अब पुशअप्स आपको कितनी लगानी है, आपको पुशअप्स लगानी है 50 रैप्स लगाने हैं। ज़रूरी नहीं आप वन टाइम लगाएं, एक बारी में नहीं लगती, एक बारी में 20 लगती हैं, तो रुक जाएं, रेस्ट ले लें थोड़ा, फिर उसके बाद 10 लगाएं, फिर 15 लगाएं, फिर ऐसे करके आपको मतलब 50 कंप्लीट करनी है। अगर आप एक बारी में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इसमें पोजीशन कैसे रखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अपनी चेस्ट अप रखनी है, चेहरा सामने की तरफ, आराम से नीचे, देन अप, आराम से नीचे, देन अप। कई लोग पुशअप्स में क्या करते हैं अपनी हिप्स को ऐसे उठा लेते हैं, तो आपको हिप नहीं उठानी है, बिल्कुल अपनी बॉडी पूरी पैरेलल रखनी है और चेस्ट आपकी बिल्कुल जमीन पे टच हो, नीचे नीचे इस तरीके से। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको 50 रेपिटेशंस लगाने हैं, एक बारी में लगाएं, दो बारी में, 3 बारी में। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सरसाइज बता दी है कि किस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जिस दिन आपका चेस्ट डे है उस दिन आप इस वर्कआउट को चेस्ट वाले दिन डालें और ये वर्कआउट आप फॉलो करें 1 महीने के अंदर। और उसके साथ साथ दोस्तों अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि आप बाहर का खा रहे हो, आप ऑयली खा रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, तो ये एक्सरसाइज भी बेकार जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी के अंदर 100% रिजल्ट आए और आपकी बॉडी से जो आपके जो चेस्ट एरिए से जो फैट है जिससे आपकी जो चेस्ट मैन बूब जैसी लगती है वो अच्छी शेप में आए, तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट एक्सरसाइज है। तो इन एक्सरसाइज को आप ज़रूर फॉलो करें, अपने शेड्यूल के अंदर डालें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आने वाले वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना